कोरोना बीमारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है और हर व्यक्ति अपने मुंह पर मास्क लगाकर बीमारी से बचाव के लिए लगा हुआ है। बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लोगों ने अपने मुंह को ढकने के लिए मास्क के अलावा गमछा, जिसे परना कहते हैं, उसे भी लगाया जा रहा है। बिलासपुर में बहुत से लोगों के चेहरे पर गमछा पहना देखा जा सकता है। इसके चलते बिलासपुर में गमछा परना की डिमांड भी बढ़ गई है। कोरोना बीमारी के चलते मास्क की जगह गमछा या परना लगाकर मुंह को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इस तरह एक तो बीमारी से बचा जा रहा है, बाकी गर्मी से भी बचाव हो रहा है। वहीं कुछ लोगों ने तो प्रधानमंत्री मोदी को लॉकडाउन के संबोधन के दौरान गले में गमछा देखकर गमछे का प्रयोग करने लगे हैं। वहीं गमछों की डिमांड ज्यादा आने पर बिलासपुर में गमछा 100 से 150 रुपए के हिसाब से बिक रहा है। खासकर युवा वर्ग गमछों के लिए खासा दीवाना है और गमछे से मुंह को ढकने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लोगों का कहना है कि गर्मी के लिए भी गमछा प्रयोग किया जाता है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के द्वारा भी गमछा लगाकर आजकल कोरोना बचाव के लिए कहा गया है और इसी के चलते काफी लोग गमछे का प्रयोग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कोरोना बीमारी है और गर्मी का भी मौसम है, इसलिए गमछे से दोनों काम हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि गमछा लगाने के लिए बहुत बढ़िया है और पीएम मोदी के द्वारा भी गमछा पहना जा रहा है, इसलिए गमछे का प्रयोग कर रहे हैं तथा अन्य पुरानी संस्कृति को भी याद किया जा रहा है जो कि पुरानी है। संस्कृति के हिसाब से बुजुर्ग लोग इस गमछे पहनने को इस्तेमाल करते थे, आज अब युवा पीढ़ी भी इस्तेमाल कर रही है, जिससे कोरोना का बचाव भी हो रहा है और पुरानी संस्कृति की याद भी ताजा हो रही है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि सभी लोग जो मास्क का प्रयोग करें, लेकिन हम आज ये गमछा लेकर अपने मुंह को ढक रहे हैं। ये लगाने के लिए कंफर्टेबल है और यह हमारी एक पुरानी परंपरा थी, जो हमारे पुराने बुजुर्ग हमें सब परना, जिसको गमछा भी बोलते हैं लेकिन परना भी कहते थे, वो दोबारा हमने शुरू कर दिया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी का भी यही संदेश है कि अगर आपको मास्क नहीं मिलता है तो आप गमछे का प्रयोग कर सकते हैं। प्रशासन से जो जो भी ये गाइडलाइन दी गई है कोरोना महामारी के बारे में, अप्रैल से थोड़ा सेफ बंदा रह जाता है और इससे मास्क से यहाँ फंस भी जाता है और थोड़ी सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए ऐसा है कि पुरानी अपनी परंपरा भी है और सांस लेने में भी थोड़ी आसानी हो जाती है और थोड़ा सिस्टम भी हो जाता है, थोड़ा मास्क से परेशानी आ जाती है। ये अपने पुरानी बुजुर्ग की परंपरा है, ये अच्छा है। देखिए, ऐसा है कि ये तो हमारी एक परंपरा और संस्कृति रही है शुरू से ही। हमारे बुजुर्गों ने हमारे देश में, आपने देखा होगा कि सब लोग थे वो परना, जैसे पंजाब में परना कहते हैं, और गमछा जैसे आजकल जो हम लोग कहते हैं, ये तो प्राचीन काल से हमारे देश में चलता आया है। लोग पगड़ी बांधते थे सिर पे करने के लिए, अपने बॉडी को धूप छांव से बचाने के लिए। और आजकल जैसे कोरोना संकट पूरे विश्व में चला हुआ है, तो इसमें तो ये और ज़्यादा महत्व इसका बन गया है, क्योंकि हम लोग वैसे जो हमारे हेल्थ के डॉक्टर हैं वो तो मास्क लगाने की बात करते हैं, तो ये पहले से ही हम लोगों के संस्कृति से जुड़ा हुआ एक विषय है कि हम लोग जो है गमछा प्रयोग करते पहले से आए हैं, क्योंकि मास्क से सांस लेने में दिक्कत होती है, लोगों को परेशानी भी होती है, तो इससे आसानी से हम इसको यूज़ कर सकते हैं और बचाव भी अपना कर सकते हैं बीमारी से।